गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दिस इज मंजीत और हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जानी मानी डॉग ब्रीड के बारे में जो है जर्मन शेफर्ड। तो दोस्तों, ये कुछ डॉग ब्रीड ऐसी हैं जिन्हें छोटे बच्चों से लेकर बड़े इंसानों तक हर कोई जानता है और जर्मन शेफर्ड भी उन्हीं में से एक है। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक डॉग लवर हैं और इन पपीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को इन पपीज की एज से लेकर प्राइसिंग तक हर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं जर्मन शेफर्ड किस टाइप के डॉग्स होते हैं और क्या ये डॉग्स आप लोगों के लिए सही हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, जर्मन शेफर्ड वन ऑफ द बेस्ट गार्ड डॉग्स की कैटेगरी में आते हैं और ये डॉग्स बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो अगर आप लोगों को एक ऐसी डॉग ब्रीड चाहिए जो फैमिली प्लस गार्ड डॉग हो, तो मुझे नहीं लगता कि जर्मन शेफर्ड से बेटर आप लोगों को और कोई भी ऑप्शन मिलेगा। जर्मन शेफर्ड बहुत ही इंटेलिजेंट और अपनी फैमिली के बहुत ही वफादार डॉग्स होते हैं। फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए भी जर्मन शेफर्ड बहुत ही अच्छी डॉग ब्रीड है, बट इन डॉग्स को एक अच्छा फैमिली और कंपेनियन डॉग बनाने के लिए इन्हें सोशलाइज करना काफी जरूरी होता है। तो आप लोग इन डॉग्स को अपने आसपास के एनवायरमेंट से अच्छे से फैमिलियर कराएं और दूसरे एनिमल्स और ह्यूमंस के साथ भी। जर्मन शेफर्ड बहुत ही एक्टिव डॉग ब्रीड होती है, तो इन्हें वॉक पर जरूर लेके जाएं और फिजिकली एक्सरसाइज भी जरूर कराएं। सो फ्रेंड्स, क्वालिटी आप लोग इन पपीज की देख ही रहे हैं, काफी अच्छी है और काफी हैवी बोन भी है। जर्मन शेफर्ड मीडियम टू लार्ज साइज की डॉग ब्रीड है, तो आप लोग इन्हें छोटे घरों में नहीं रख सकते। अगर आप लोगों के पास मीडियम टू लार्ज साइज का घर है तो काफी अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, जर्मन शेफर्ड को ट्रेन करना बहुत ही इजी है, आप लोग इन्हें इंटरनेट से वीडियोस देख के भी आसानी से ट्रेन कर सकते हैं। सो गाइस, पपीज की क्वालिटी तो आप लोग देख ही चुके हैं। अभी जो आप लोग देख रहे हैं, ये है इन पपीज की मदर। क्वालिटी आप लोगों को इसकी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और हाँ गाइस, मेरे पास इन पपीज के फादर की फोटोज अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से ही बात करें। तो फ्रेंड्स, ये पपीज आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे और वो भी कैश ऑन डिलीवरी पे। और हाँ गाइस, ओनर के पास जर्मन शेफर्ड के अलावा कुछ और डॉग्स ब्रीड भी हैं, अगर आप लोग उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन पपीज की एज और लोकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये 38 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। डिलीवरी के बारे में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि आप लोगों के पास ऑप्शन है या तो कैश ऑन डिलीवरी या फिर आप लोग डायरेक्ट विजिट करके इन्हें परचेज कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कैश ऑन डिलीवरी का भी आप लोगों के पास काफी अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, इन पपीज के प्राइसिंग के बारे में बात करने से पहले, अगर आप लोगों को वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरी सभी वीडियोस मिलती रहें। तो फाइनली बात करते हैं इन पपीज के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए, और फीमेल की है 11,000 रुपीज, यानी 11,000 रुपए। वैसे ये प्राइस नेगोशिएबल है, तो अब यहाँ पर आप लोगों का टैलेंट काम आएगा कि आप लोग इसमें कितने पैसे कम करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप लोगों को इन पपीज का प्राइस कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय।